उत्तर प्रदेश के महोबा में 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आज बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री फैजल सिद्दीकी महोबा पहुंचे। यहां उन्होंने एक स्थानीय होटल में बैठक को संबोधित किया। प्रदेश महामंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने 2019 की तैयारी को लेकर कहा कि वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी ने 4.5 वर्षों में यह सिद्ध कर दिया कि सरकार ने सबका साथ और सबका विकास के साथ वोट मांगना शुरू किया था। इस सरकार ने सभी जातियों का विकास किया है। पूर्व की सरकारें अल्पसंख्यक समाज को बीजेपी से डराती थीं, लेकिन अब लोग सब जान चुके हैं और अल्पसंख्यक समुदाय किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। 4.5 वर्षों का माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल अभी तक रहा है, माननीय मोदी जी ने सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ जो सरकार की शुरुआत की थी, उसका आज नतीजा सबके सामने नजर आ रहा है। कहीं पर भी अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई भी योजना है, सारी योजनाएं अल्पसंख्यक समाज तक पहुंच रही है। कोई भी अधिकारी हो, किसी भी प्रकार का, मेरा कहने का मतलब है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी माननीय योगी जी की, विगत 1.5 वर्ष हो चुके हैं। इन 1.5 वर्षों में खासकर अल्पसंख्यक समाज में जो मुस्लिम वर्ग है, जिसके सामने एक भय का माहौल बना दिया गया था कि भाजपा की सरकार आएगी, योगी जी की सरकार आएगी, आपको पाकिस्तान भेज देंगे, ये कर देंगे, तमाम लोगों ने जो बनाया था वो सारे उनके पत्ते खुल चुके हैं। पूरा देश इस समय तैयार है। मुस्लिम समाज बहुत तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ रहा है, आपके सामने नजर आ रहा है। पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें पूरा देश प्रधानमंत्री के रूप में पुनः देखना चाहता है, और हम संकल्प के साथ निकले हुए हैं कि 2019 में प्रचंड बहुमत से और भी ज्यादा सीटों के साथ माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। वर्तमान में महोबा का प्रमुख उद्देश्य संगठन विस्तार, जिस प्रकार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज निरंतरता से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, हम इस लक्ष्य को लेकर निकले हैं कि इस माह के अंत तक मंडल स्तर तक भारतीय जनता पार्टी का गठन पूर्ण हो। लगभग हम पूर्णता की ओर अग्रसर हैं और यह पूर्ण हो ऐसी हमारी आशा है। आगामी संगठन के कार्यक्रमों में हमारे मोर्चे के महोबा जिले के कार्यकर्ताओं की सहभागिता अच्छे से हो, ये हम लोगों का प्रयास है। इस संदर्भ में आज ये बैठक लेने में कानपुर से यहाँ 2019 की प्रमुख तैयारी, 4.5 वर्षों की माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह सिद्ध कर दिया कि सरकार बनाने से पूर्व हमने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ वोट मांगना इस देश में प्रारंभ किया था। आज 4.5 वर्षों की माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह सिद्ध किया है कि इन 4.5 वर्षों में देश के प्रत्येक वर्ग, जाति और समाज के लोगों का विकास और उत्थान हुआ है। जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल इससे पूर्व अल्पसंख्यक समाज को धमकाते थे और यह कहते थे कि हमको वोट दो वरना भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, आज हमारे पास अच्छा अवसर है, आज हमारे पास वह मौका है कि इन 4.5 वर्षों में जो अल्पसंख्यक समाज के साथ इस देश में सर्वांगीण विकास की लहर चली है, इस लहर को हम इस जनता को दिखा के अल्पसंख्यक समाज को अधिकांश रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ लें। महोबा से इनसाइट न्यूज के लिए अब्दुल नादिर की रिपोर्ट।